तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी का बहुत ही कमाल वीडियो में। लेकिन ये वीडियो यार टेक्निकल नहीं है, बिकॉज मैं हूँ विशाल सर के साथ। और अगर मैं सर का आपको इंट्रो दूंगा ना, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, आप सर गाते भी हैं और लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। बट अभी सर ने एक और नया अचीवमेंट जो है वो कर लिया है और यहाँ पे एक पूरी मूवी बन गई है सर फोन से। आज इस वीडियो में गाइस हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत मजा आया, हमने तो जो पूरा मूवी का एक आधे घंटे का सोचने का अलग ही दुनिया में अपने आप को टेलीपोर्ट कर लिया था। आपके लिए मतलब हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इन अ लाइन इफ यू कैन से हाउ वाज द एक्सपीरियंस टू शूट अ मूवी फोन से। मतलब फोन इज लाइक, फोन तो फोन होता है ना। आई नो वन लाइन में आई थिंक इट लिबरेटेड मी सो मेनी थिंग्स, यू नो। क्योंकि जब आप फिल्म कैमरा होते हो तो एक तो उसके साइज देख के ना लोगों को डर लगने लगता है, इंटिमिडेटिंग होता है बहुत। फिर उसके साथ तीन चार यू नो लोग होते हैं, पांच लोग होते हैं, फोकस को अलग अलग होता है, बहुत ताम झाम बहुत होता है। सडनली यू नो यू हैव ए स्मॉल थिंग विच किसी को पता ही नहीं, कि कभी कभी आपने शॉट ले लिया किसी को पता भी नहीं चला। तो दैट लिबरेशन इज द वर्ड। सर आपने जो बात बोला वो सेम बोली, बिकॉज मैंने बीच में एक दो बार थोड़े बड़े स्केल पे वीडियो शूट किया था जहाँ पे एरी वगैरह भी शूट करें। अब मेरे लिए मैं बनाता हूँ नॉर्मल अपने रूम में वीडियो, छोटा सा एक मिनी सेटअप सा होता है। अब मैं पहुँच गया उस जगह पे जहाँ पे सामने 150 लोगों का क्रू है, वो बड़े वाले कैमराज है, तो वो एक जोन ही अलग हो जाती है। आई थिंक फोन इज काइंड ऑफ एक अलग फन एलिमेंट ऐड कर देता है अगर आप फोन से यूज करते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि यू नो बहुत लोकेशन ऐसी होती है कि जहाँ पे आप अगर इतना बड़ा कैमरा काम जहाँ लेके जाओ तो उसमें क्या है कि इतने लोग होते हैं कि आप रियल उसको शूट नहीं कर सकते, इसलिए किसी को पता ही नहीं चलता है कि आप मार्केट में गई और आप गोरिल्ला शूटिंग बहुत ईजी हो जाती है। बहुत गोरिल्ला शूटिंग तो बहुत ईजी है। सर एक चीज़ आपने अपना करियर इतना पहले टाइम से स्टार्ट किया, गाइस मैं इतना बड़ा मतलब फैन हूँ ना, मेरे को वो भी याद है कि आपने मतलब जो शेक्सपियर के सर तीनों जो आपने बनाए और उसमें भी आपका जो है ओथेलो बन गया ओंकारा, तो वहाँ से ओ मैच हो गया है। हैमलेट जो है वो आपका हैदर बन गया, वहाँ पे एच मैच हो गया है। मैकबेथ गुल बन गया है तो वहाँ पे भी आपका मैच हो गया। तो सर मैं तब से आपको देख रहा हूँ एंड फिल्म मेकिंग में आपको बताया कि ना एक एक विजन है आपके दिमाग में जिसको आप क्रिएट कर रहे हैं और लाइक विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल। अब अगर आप स्टार्ट करते हैं जहाँ पे यू नो बैक इन द डेज मे बी टेक्नोलॉजी अलग होती होंगी, लटन कैमरा होती होंगी, चीज़ें अलग होती होंगी, अभी और हम अगर बात करें करंट टाइम्स की, डेफिनेटली थिंग्स हैव इंप्रूव्ड बहुत सारा और जैसा बोलते हैं तामझाम एक्स्ट्रा ऐड हो गए। इस पॉइंट पे हम बात करते हैं कि गाइस दिस इज द कंप्लीट सेटअप और आप इससे ही सब कुछ कर सकते हो। क्या आपने कभी सोचा था इन लाइक जनरल वैल्यू योर जर्नी कि यार एक टाइम ऐसा आएगा जब हम उल्टे चलेंगे और बड़े से श्रिंक हो जाएंगे, छोटे से काम हो जाएगा? ये तो बहुत अच्छी है आपका आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है। बट आई डोंट थिंक कि हमने कभी ये भी सोचा था कि हम लोग बगैर तार के फोन से बात कर रहे होंगे, हमने तो ये भी नहीं सोचा था। बिकॉज मुझे याद है कि हम लोग 94 में क्विंटिन टैरेंटिनो की जो फिल्म थी पल्प फिक्शन वो देख रहे थे, तो उसमें एक कैरेक्टर वो जॉन ट्रैवोल्टा का कैरेक्टर बात करते करते और वो किसी से मोबाइल में बात कर रहा है और वो बात करते करते उसके घर में गाड़ी घुसा देता है। ओके, तो यू नो 94 की बात है, मुझे लगा यार ये इतना अच्छा सिग्नल आता होगा, मतलब ये कैसे बगैर, क्योंकि हम लोग को तो जब तक तब प्लग इन नहीं किया जाएगा तब तक तो बातचीत होगी नहीं, तो कभी ये भी नहीं सोचा था। तो ये तो आई थिंक ये अब टेक्नोलॉजी को तो कोई रोका नहीं जा सकता। और आई थिंक एक जैसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, दूसरा रेवोल्यूशन हुआ था, मशीन रेवोल्यूशन हुआ था, ये टेक्निकल रेवोल्यूशन है। एंड आई थिंक जो पावर इसके थ्रू एक नॉर्मल यूजर को मिल रही है, अगर वो उसको सही तरीके से चैनलाइज कर ले तो इट कैन अचीव वंडर्स। बिल्कुल, आई थिंक इसने वो सबको बराबर इक्वलिटी कर दी है कि टेक्निकल आप इक्वल हैं। अब आपके एस्थेटिक्स कितने हैं, आपके अंदर कितना गुदा है जी, आपका कंटेंट कैसा है जी, वो अब मैटर करता है, बाकी आप टेक्निकली तो इक्वल। ये हर्डल तो किसके लिए रहा, इक्वलाइज है। सर इसी से एक बात, जैसे आपने मेरे को पहले भी सुना, मैंने आपका जवाब कि नॉर्मली हम बात करते हैं मूवीज की और लोग बिग स्केल मूवीज तो बजट्स की हमेशा बात करते हैं कि इतने करोड़ की मूवी बनी है एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड आई थिंक लॉट ऑफ द कॉस्ट इज बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट्स इज देयर। ओके, अब जब मोबाइल फोन से हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि मतलब और बजट का भी श्रिंक करते हुए भी आप एक अच्छा सा कॉन्टेंट बना सकते हैं? हाँ वो तो हो ही सकता है, पर मुझे लगता है बजट श्रिंक से ज़्यादा ना कि आप वैसे सब्जेक्ट्स बना सकते हैं जो कि आपको नॉर्मली भी बनाने नहीं देंगे।
क्योंकि अगर आप क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होगा, पर आप कोई भी सब्जेक्ट आप उठा के बना सकते हैं और आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इसमें, वो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी आप अच्छे एक्टर्स ले लो और आपको इक्विपमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आपको ना साउंड लेने की जरूरत होता कुछ, आपके पास कैमरा, आपको डीओपी भी लेने की जरूरत है। जी जी, अगर आपने सीख लिया अच्छे से, आपको उस लेकर दौड़ना है, एक्शन मोड ऑन करना है, तो आप सीढ़ी के मतलब काम भी कर सकते हैं। वो तो सर मैंने भी एक बार बीच में अपने वीडियो में यूज़ किया, उनको आई थिंक कुछ एक मिनट या इतना ही वो होता है कंटिन्यूस। अगर हम स्टडी के मोमेंट की बात करें उससे लंबा तो शायद उसको लिफ्ट भी नहीं कर पाएंगे, द काइंड ऑफ नो बहुत बहुत। जब आपने अगेन इस प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल्स आपसे आपको मिली, सिनेमैटिक मोड, एक्शन मोड, ऑल दोस फीचर्स, आपको जब तक आपने सर यूज़ नहीं हुआ तब तक ऐसा लगा होगा ना कि यार देखते हैं क्या होगा? हाँ, मतलब ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लगता था कि हाँ ये फोन के है तो फाइनली इतना लगता था कि लिमिटेशन होगी। 4K में अगर हम बड़े स्क्रीन पे देखेंगे तो विजुअल में कुछ तो नॉइस आएगा, विजुअल नॉइस होगा, पर ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आई मीन दिस एक्चुअली इट्स इट्स रियली रिवॉल्यूशन। सर एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, बिकॉज मैंने वीडियो के अंदर भी देखा, नो देयर इज अ लाइन दैट एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज यूज्ड। हार्डवेयर हम किस स्केल के हार्डवेयर की बात कर रहे हैं? आई मीन मे बी यूवी फिल्टर, एनडी फिल्टर, लाइक दोस थिंग्स। या या, दैट्स ऑल। क्योंकि जब आए थे, जब हमें मिला था जी, जब ये रिलीज हुआ उसके हफ्ते भर के अंदर हमें शूटिंग करनी है जी, तो जिसके पुराने 13 की भी जो लेंसेज थे ना, हम लोग नहीं यूज कर सकते जी जी जी। इसका ये पूरा ही साइज जी जी जी। हाँ सर, थोड़ा बड़ा हो गया था। हाँ, तो अब क्या है कि 3-4 महीने बाद वो लेंसेज बन के आ जाते हैं, जो अलग तरह के फिल्टर्स, तो हमारे डीओपी को एक अपने आप लेंसेज का बनाना पड़ा, वो भी हमारा उसमें कई जगह सॉफ्ट हुआ जी। तो फिर हमें उसमें एक ही लेंस था जो शायद 50 का कोई एक लेंस था, अदरवाइज पूरा का पूरा इससे शूट करना पड़ा, आपको एक्स्ट्रा लेंस भी नहीं यूज कर पाए। पर यह फिल्टर्स अगेन, आप अगर एक नॉर्मल कैमरा की बात करते हैं, बड़ा वो फिल्म कैमरा, वहाँ पे वी हैव टू यूज स्पेसिफिकली, आपको पता है कि कौन सा फोकल लेंथ पे कैसे शूट करते हैं, बट यहाँ पे इन जस्ट वन सेटअप यू हैव ऑल द ऑप्शंस फ्रॉम अल्ट्रा वाइड टू 3x एंड इवन लाइक यू नो यहाँ पे भी द क्वालिटी एंड प्रो रेस मोड्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में, अभी नहीं हो सकता 5 साल बाद 10 साल बाद, शायद ये उस लेवल तक ऐसा पहुंचे? बहुत अगेन अभी तो हम बात करते हैं, सेंसर ऑफ कॉस्ट छोटा है, फिजिक्स भी है, बड़े कैमराज हैं, बड़े सेंसर्स हैं, बट आफ्टर अ पॉइंट मे बी यू नो विद ऑल द कॉम्पिटिशन ऑफ फोटोग्राफी, जो प्रॉपर AI काम कर रही है, कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम बोलेंगे कि यार वो कैमरा हम यूज़ करना ही नहीं है, फ़ोन ही। मुझे तो लग रहा है ये टाइम बहुत बहुत ज़्यादा देर में नहीं, बहुत जल्दी है जी। जहाँ पे एक्चुअली और भी एक चीज़ होगी गौरव, कि ये ना कि जो डिफरेंस रह जाएगा ना क्वालिटी का, वो इतना मिनिमल होगा कि प्रोफेशनल्स को समझ पाए, कॉमन मैन के लोग को उसको लेगा कि हाँ ये ठीक है। सर मैंने कॉमन मैन बन के मूवी देखी है और मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ टेक्निकलिटी, समझता हूँ। आप टेक्निकल हो जी थोड़ा बहुत नहीं सर, मैंने जब आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार मुझे कोई एक ऐसा फ्रेम दिखे कि जब मैं सोचूं कि यार नहीं यार ये ना थोड़ा सा परफेक्टली नहीं हो पाया, सर पूरे आधे घंटे की मूवी में मुझे एक ऐसा फ्रेम नहीं मिला। फिर और मजे की बात, इतनी ड्रामेटिक लाइटिंग में आपने शूट किया है, डार्क शॉट्स हैं, टॉप लेट वो पूरा डिजर्ट का शॉट आ रहा है, एक्शन मोड हम देख रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि इतना स्मूथ वाकई में, देन वी सॉ द BTS कि रियली में तो सो नाइस टू टॉक टू यू। आप आई मीन पर्सनल लेवल पे, नॉट लाइक व्हेन इट कम्स टू फिल्म मेकिंग, आप खुद कितना फोटोग्राफी या मतलब यूज करते हैं पर्सनल? मुझे ना आई हैव बीन अ वेरी बैड, मुझे पेंटिंग एक चीज है जिसका मुझे बड़ा दुख है, मैं पेंट अच्छा नहीं कर सकता, पर मुझे ना मेरा एस्थेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है कलर्स को लेके और स्पेशली लाइटिंग को लेकर। मुझे ना जरा सी सी ब्राइट लाइट होती है मुझे वो चुभती है। मेरे घर में भी अगर मैंने ट्यूबलाइट जब बचपन में हुआ करती थी तो मैं उस कमरे में नहीं जाता था। सर मेरे साथ अभी है ऐसा सर, बट इट्स नॉर्मल है। मैं घर पे सब बोलते हैं कि तो मुझे डार्कनेस में क्यों रहता है, मतलब थोड़ा सा डिम एक हल्का सा ऐसा माहौल, मूड वो मूड जो है ना वो अब मुझे समझ में आता है कि वो मेरी जिंदगी की हर चीज में है। वो मैं खाना बनाऊँ तो, मैं खाना खाऊँ तो, मैं उठ के जाऊँ, मैं किसी कमरे में बैठूँ, मैं किस कुर्सी पे बैठूँ, तो हर चीज़ के अंदर वो एक एस्थेटिक्स कहीं है। इस वजह से फिल्में भी वैसे बनती हैं कि लोग कब देखते हैं। आपका सर फर्स्ट कैमरा कौन सा याद आता है जो आपने कभी यूज़ करना स्टार्ट किया? आई थिंक वो छोटा वाला याशिका का एक आता था, इसमें ऐसे निकल के जाता था पुराने टाइप का। हाँ था। एक लास्ट चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो फ़ोन के बारे में ही है। जब हम बड़े सेटअप्स की बात करते हैं, बड़े कैमराज होते हैं, तो आई थिंक बीच बीच में ना जो नो कास्ट है उसको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है कि शॉट रेडी हो रहा है कि चलो भैया अभी टाइम लगेगा, पूरा सब कुछ सेटअप चेंज होगा, कैमरा वगैरह अपलोड किया जाएगा। अब जब ये वर्सेटाइल चीज़ें हमारे हाथ में आ रही है,
इसमें तो बैटरी लो होगी, कोई बात दूसरा फोन निकाल लो, यू नो मतलब इसमें तो ब्रेक लेने का टाइम ही नहीं है। तो आपको लगता है कि जो आपका पूरा शूटिंग ड्यूरेशन था वो भी कम हो गया और जो कास्ट है वो भी बैक टू बैक चल अगला शॉट रेडी आ रहा हूँ इधर आ रहा इधर आ रहा, ऐसा हुआ एक्सपीरियंस? नहीं आई थिंक वो उतना वैसा नहीं, बिकॉज टाइम जो है वो और बाकी चीज़ों में भी लगता है कि थोड़ा सा अपनी लाइटिंग की आप सही लाइट का वेट कर रहे हो जी, मुझे यू नो ये शॉट शाम को मैजिक आवर पे लेना है जी, तो वो तो उसमें तो टाइम वो तो है, आई थिंक वो उतना फर्क नहीं है, बिकॉज फॉर मी आई वाज इट वाज लाइक मैं फिल्म बना दिस वाज एंड लाइक एनी अदर कैमरा, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट इट बिकेम लाइक हां ये कैमरा है कैमरा ले आओ, वो आप सही बोल रहे हो कह रहे गर्म हो गया चलो दूसरा कैमरा ले, एग्जैक्टली ये नहीं कि यू नो कि कैमरा अटक गया फिल्म कैमरा, मैं तो बहुत बार होता था कितनी कैमरा में होता है ये जो बड़े बड़े कैमरा है वो कभी अगर शट डाउन हो गए तो फिर गए आप यू कैन अफोर्ड टू हैव फाइव ऑफ देम ऑन सेट क्या, तो फिर आप दूसरा कंपनी वाले जब तक भेजेगा आपके आधी शिफ्ट जी जी जी, इसमें तो यही कह रहे हैं मेरे पास भी है मेरे पास सर। वन फीचर दैट यू लव द मोस्ट एंड यू थिंक इट्स अ गेम चेंजर ऑफ द फोन आई थिंक इसका ये एक्शन मोड इट्स अ गेम चेंजर, बिकॉज बहुत टाइम मैंने स्टडी कैम इसलिए यूज भी करना बंद किया था, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज क्योंकि वो एक तो बड़े अच्छे होते हैं वो, उसमें भी क्या होता है कि जो आपके स्टडी कैम ऑपरेटर्स होते हैं उसमें ये जरूरी नहीं कि स्टडी कैम इक्विपमेंट भी सब कुछ हो जाता है, ऑपरेटर स्किल्स दे बिकम वेरी एक्सपेंसिव एंड दे कम लाइक विद फोर पीपल बिकॉज दे रिक्वायर्ड असिस्टेंस आपके प्रॉपर। इसमें क्या है कि मतलब यू कैन आई रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ माइन डीओपी रंजन पालिक, वो एक फिल्म फीचर फिल्म अभी शूट कर रहे थे तो उनको एक शॉट लेना था कि एक पर्सन जंप्स फ्रॉम द खिड़की, यू नो व्हाट ही डिड, उन्होंने नीचे वो नेट लगवाया क्रिकेट वाले और उन्होंने अपना फोन नीचे फेंक दिया तो पॉइंट ऑफ व्यू पूरा ऐसा मिला। Now, can anybody allow कि एरी को नीचे फेंकते? Makes sense. This is I mean. And I think वो नीचे गिरेगा भी, वो कैसे हिल के गिर रहा है, still you got the shot. Yeah, yeah. और वो एक एक पर क्योंकि अगर आपने इसको हाई स्पीड पे डाल दिया तो आपको काफी सेकंड मिल जाएंगे कि जब 3 सेकंड पे अगर उसी ने ऐसा किया। Guys, हमारी बातें देखो ऐसे चलती रहेंगी लेकिन ये हम कभी और किसी और मौके के लिए रखते हैं, फिलहाल के लिए सर को जैसे सर ने मुझे जवाब दिया ना ऐसे ही और बहुत लोगों को जवाब दे रहे हैं और सभी के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, बिकॉज एवरीवन लव द मूवी सर, बहुत मजा आया और आई थिंक यू नो इट काइंड ऑफ इंस्पायर्स मी। नॉर्मली हम कई बार ना जैसे आपने बोला कि इग्नोर कर देते हैं कि बट अब देयर इज नो एक्सक्यूज, इफ यू हैव दिस थिंग इन योर पॉकेट देन यू कांट कि भाई नहीं अब चल बनेगा ये होगा, इससे सीधा बटन दबाए यू नो गेट स्टार्ट शूटिंग। सो लव टू यू गाइस, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपकी वीडियो पसंद आया है आपका क्या यू नो टेक है आपको स्मार्टफोन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी स्पेशली विद द आईफोन यू नो द काइंड ऑफ वीडियो कैपेबिलिटीज इट हैज, यू नो प्रोग्रेस मोड आ गया है 60 FPS हो गया है, बहुत कुछ चीजें हो गई है, नीचे कमेंट करते हुए अपना फेवरेट फीचर जरूर बताना और क्या आप सभी बात सेट करते हैं, बिकॉज एक्शन मोड डेफिनेटली इज अ गेम चेंजर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, थैंक यू।